दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और सब कुछ बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि काफ़ी लोग नहीं जानते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ अ क्रेजी फैक्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ क्रेजी रैंडम फैक्ट्स के बारे में जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको यह मालूम है कि हिमालय की पहाड़ियों में एक फूल पाया जाता है जो कि 50 साल में एक बार खिलता है। यह फूल हिंदू धर्म के धार्मिक चिन्ह ओम की तरह दिखता है, शायद इसीलिए इसका नाम ओमकार पुष्प है। फैक्ट नंबर टू, अगर किसी पानी के नल से एक सेकंड में एक बूंद पानी गिर जाता है तो इसका मतलब है कि सालाना 11,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको यह मालूम है कि बिल्ली का पेशाब अंधेरे में भी चमकता है क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है। फैक्ट नंबर फोर, आपने ये सवाल कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि मुर्गी पहले आई या अंडा, लेकिन आपको बता दें कि एक साइंटिफिक स्टडी में यह पता चला है कि मुर्गी पहले आई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंडे को गोल बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है वो सिर्फ मुर्गियों में ही होता है। फैक्ट नंबर फाइव, आपने अक्सर रोड पे वाइट कलर के मार्क्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपको यहाँ मालूम है कि इन मार्क्स के कुछ मतलब होते हैं? जी हाँ, जो रोड पे वाइट कलर के ब्रोकन मार्क्स होते हैं इसका मतलब होता है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, और जो वाइट स्ट्रेट लाइन होती है इसका मतलब होता है कि आप सावधानी से ओवरटेक करें, और जहाँ पे दो वाइट स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पे आपको ओवरटेक करने की परमिशन नहीं होती है। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आपको यह मालूम है कि 31 दिसंबर 1926 के दिन ही दिल्ली शहर का नामकरण हुआ था, जिसे आज हम देश की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको यह मालूम है कि सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम भारत के हिमालयों से होता है और इस नदी की लंबाई करीबन 2900 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर एट, क्या आपको यह मालूम है कि जो भूकंप तबाही के लिए जाने जाते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो पानी को सोने में बदल सकते हैं। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आपको यह मालूम है कि मेघालय में स्थित उमनगोट नदी भारत की सबसे शुद्ध नदी है। यह नदी मेघालय के मालवीय नौंग गांव के पास है जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। फैक्ट नंबर टेन, क्या आपको यह मालूम है कि सांप अपनी खुराक रोज नहीं लेता बल्कि वह हफ्ते महीने या साल में एक बार ही भोजन करते हैं। क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय।